Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, राधे राधे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है संडे और बज रहा है अभी दोपहर का 3:30। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर के 3:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हमारा दोपहर का खाना पीना हो गया है। आज मतलब कि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी और सारे काम जो थे वो ख़त्म करके, और कुछ काम पेंडिंग के थे वो भी सारे ख़त्म करके निपटा के दोपहर का जो है हम लोगों ने खाना पीना किया। सुमित भी अभी जो है अंदर बैठे हुए हैं, सुमित ने भी खाना खा लिया है। तो फिलहाल आज कुछ मेरा अलग प्लान है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, करीब 1 महीने से, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो बताती हूँ कि आज मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने हेयर कट के लिए। तो फिलहाल 1 साल हो गया है मुझे अपने बालों का ये जो है ना कटिंग करवाए हुए। 1 साल लास्ट टाइम मैंने करवाया था, कुछ आज ही कल ऐसे दिसंबर के आसपास ही मैंने हेयर कट करवाया था। तो अभी जो है ना बाल नीचे से काफ़ी डैमेज हो गए। ये देखिए क्या होता है ना, जब भी आप हेयर कट करवाओ तब कुछ दिन बाल अच्छे रहते हैं, जब बढ़ने लगते हैं ना तो नीचे से ये जो झाड़ू जैसा बन जाता है ना, ये बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल चुभने लगता है, जैसे कोई तीर चुभ रहा हो। तो फिलहाल मेरे बाल भी थोड़े से क्या है ना, मेरे बाल थोड़े से कर्ली हैं और बालों की जो क्या बोले, बाल मतलब मोटे हैं, बालों की जो वैरायटी है ना वो मोटी है, मतलब सॉफ्ट बाल नहीं है। तो बाल थोड़े से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना तो अजीब से लगने लगते हैं। तो फिलहाल अभी हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जाती हूँ आज हेयर कट करवा लेती हूँ। और वैसे भी देखिए बाल ऐसे अभी तो काफ़ी लंबे हो गए हैं बाल मेरे, अभी लास्ट टाइम जब मैंने कटवाए थे ना तब मैंने बाल अपने काफ़ी छोटे करवा दिए थे, बस पौने टेढ़ हो जाए। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया और मेरा भी मन कर रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को कुछ नया लुक दूँ, अपने हेयर को थोड़ा सा हेयर स्टाइल अपना चेंज करूँ, थोड़ा सा अपना मेकओवर करती हूँ। तो फिलहाल इसीलिए आज मैं जा रही हूँ हेयर कटिंग करवाने के लिए। और सुमित भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि तुम अपना हेयर कट करवा लो, हेयर कट करवा लो, थोड़ा सा चेंज लुक आएगा। तो इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं हेयर कट के लिए। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हेयर कट, मैं अचानक से हेयर कट क्यों करवा रही हूँ, तो कुछ खास पार्टी या कुछ ऐसा? तो हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हेयर कटिंग करवाने की एक वजह और है कि मैं 15 दिन पहले हेयर कटिंग करवा रही हूँ। और वो वजह ये है कि इसी महीने नवंबर लास्ट में मेरी छोटी सिस्टर की शादी है, तो मैं जाने वाली हूँ अपनी बहन की शादी के लिए वापस अपने घर। तो फिलहाल कहते हैं ना कि अगर कोई फंक्शन, कोई पार्टी अटेंड करनी हो और आपको कुछ नया गेटअप चाहिए हो, तो उसके लिए आप हेयर कट अगर मतलब कि 15 दिन पहले करवा लो ना, तो अगर थोड़ा सा भी कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो बिगड़ भी जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो तब तक 15 दिनों में बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और हमें भी मतलब उस तरह की हैबिट पड़ जाती है अपने बालों को डील करने की। तो इसी वजह से अभी शादी तो नवंबर लास्ट में है, तो मैं इसी वजह से स्टार्टिंग में ही हेयर कट करवा ले रही हूँ, ताकि उनको मैनेज करना मुझे अच्छे से आ जाएगा, उनको नया नया लुक देना मेरी भी हैबिट पड़ जाएगी। एकदम से कटवाऊँगी तो नया नया मतलब क्या, फिर अजीब ही, एकदम से हेयर कट करवा के कहीं पर जो है किसी के सामने आओ तो बड़ा अजीब लगता है। लास्ट टाइम जब है मैंने हेयर कट आया था एकदम से अपने देवर की शादी में, तो सभी को मेरा फेस बड़ा अजीब लग रहा था और मेरे घर में तो सब कह रहे थे ये एक ऐसे हेयर कट हो गए, मतलब छोटे छोटे करवा लिए थे ना काफी। तो फिलहाल आज मैं सोच रही हूँ, इसीलिए सोचा कि चलो अभी 15 दिन है तो पहले ही अपना हेयर कट करवा लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ जो कम ज्यादा होगा ना वो अच्छे से 15 दिनों में बैलेंस में आ जाएगा, बढ़िया अच्छे से हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आज मैंने हेयर वॉश किया है, 2 दिन पहले मैंने लगाई थी अपने बालों में मेहंदी, तो कल अच्छे से ऑयलिंग करके आज मैंने किया है हेयर वॉश। वैसे मतलब वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, कटिंग कराने का मन नहीं कर रहा है और काफ़ी लंबे हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतनी इतनी पॉनीटेल वाले बाल करवा लिए थे।
तो अभी जो है मैं रेडी हूँ। सुमित रेडी हो रहे हैं क्या? ढूंढ रहे हो सुमित? ये नहीं, उधर कपड़े में निकाल के रखे हैं, वो पहनो। एक्टिंग नहीं है, हमें दुल्हे पड़ते अपने ना, वो हम ही जानते हो। सुमित जो है ना, सुमित की आदत है। इधर आओ इधर आओ, वहां कहाँ जा रहे हो? यहाँ देखो कपड़े लगे हुए हैं। हाई लोअर पहन लो, ये टी शर्ट बढ़िया डाल लो, स्मार्ट लुक, बिल्कुल हीरो बन के चलो। येलो वाली डालो, ज्यादा अच्छी लगेगी। येलो अच्छी लगेगी, येलो डालो, तुम्हारे ऊपर येलो सूट करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं सुमित की खास बात, सुमित की आदत है। सुमित एक बार जो कपड़ा पहन लेंगे ना, फिर उसको दोबारा नहीं पहनेंगे, फिर उसको ऐसे टांग देंगे और इनको फिर धुले हुए दोबारा से बिल्कुल प्रेस कपड़े चाहिए। तो इसलिए मैं इनके ऊपर कपड़ों के मामले में नजर रखती हूँ कि कपड़े तो मुझे धुलने पड़ते हैं ना, वो भी हाथों से। वॉशिंग मशीन तो है नहीं अभी हमारे पास, तो बड़ी मेहनत लगती है कपड़े धुलने में। तो मैं इनके कपड़े इनके रेडी होने से पहले ही निकाल देती हूँ, नहीं तो पता है मेरे लिए जो है एक के बाद कपड़े लगे रहते हैं। अभी दरवाजे के पीछे दो जोड़ी कपड़े टंगे हुए हैं, जबकि अभी मैंने 2 दिन पहले सारे कपड़े धुले। इसी वजह से जब मैं मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं अपने कपड़े जैसे ही मतलब रेडी करती हूँ, इनके सबसे पहले एडवांस में हैंगर में लगा के दरवाजे पे टांग देती हूँ कि ये कपड़े है, आज यही पहनना है तुम्हें। तो फिलहाल अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ और सुमित रेडी हो रहे हैं। तो फिलहाल रेडी होने के बाद हम लोग निकलेंगे फटाफट मेरे हेयर कट के लिए। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। स्कूटी निकालो भाई। तो अभी निकल रही है हमारी गाड़ी, हमारी सवारी गाड़ी, हमारी राम प्यारी, हमारी सुख दुख की साथी। फिलहाल अभी न्यू हेयर कट लेके वापस हम लोग घर आ गए। हेयर कट करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के बाद अब मैं वापस आ गई हूँ घर पे। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट करके कि मेरा जो ये नया हेयर कट है, हेयर लुक है, कैसा लग रहा है।
फिलहाल अभी बाइक से आए हैं ना, तो बाल हो गए थे, तो बाल हो गए थे वैसे बाउंसी बाउंसी हो गए वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया से सेटिंग की थी उन्होंने। फिलहाल अभी फिर से सेट हो जाएंगे, बाइक पे ओपन हेयर थे ना तो बड़े बाउंसी बाउंसी से लग रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये जो नया हेयर कट हेयर लुक है मेरा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस छोटू सा बिद्दू सा ही, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, राधे राधे जी।